हेलो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे मोनोसेफ 1 ग्राम के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हम आपको बताते हैं कि मोनोसेफ क्या है, कैसे काम करता है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए और इसमें क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोनोसेफ क्या है। मोनोसेफ एक बहुत ही फेमस एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला मेडिसिन है, जिसको बड़े से बड़े डॉक्टर और छोटे से छोटे डॉक्टर यूज करते हैं। ये हर जगह अवेलेबल है, बड़ा से बड़ा शहर में भी मिलता है और छोटे से छोटे ग्रामीण इलाका में मिलता है। बात करते हैं कि इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें सेफ्ट्रियाजोन पाया जाता है, जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के 3rd जनरेशन का एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक है तो जाहिर सी बात है कि इसको एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए चला है। जब आपको बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको मोनोसेफ का इंजेक्शन इंट्रावेनस लगाता है, और ये जब हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड के माध्यम से उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे बैक्टीरिया का संक्रमण यानी कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। वहाँ पे जाकर के बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करके बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, जिससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है तो हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और इसके बात करें कि इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो इसका यूज लगभग सभी जगह, लेकिन कुछ मुख्य यूज है जहाँ पे देना ही है। जैसे टाइफाइड हो गया, इसमें आँख मूंद के डॉक्टर लगा देते हैं मोनोसेफ। और उसके बाद निमोनिया हो गया, सॉफ्ट स्किन इन्फेक्शन हो गया, थोरेट इन्फेक्शन हो गया, मेनिजाइटिस हो गया, यूटीआई के इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रेकल इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका यूज देखा गया है, या फिर किसी घाव को सुखाने में भी इसका अच्छा यूज है। जैसे किसी पेशेंट का सर्जरी होता है तो टाका सुखाने के लिए भी इसका यूज देखा गया है। और इसके बात करें कि किसको नहीं लेना है, तो जिसको लीवर की प्रॉब्लम है उसको नहीं लेना है, बाकी किडनी फेलियर और भी किसी डिजीज हो उसको दे सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि जैसे कोई भी पेशेंट अगर शराब पिया है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या उस पेशेंट को दे सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल दे सकते हैं। जो पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ हो, अल्कोहल लिया हो, तो उसको दे सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ज़्यादा देने से लूज मोशन हो सकता है, और इसको ज़्यादा दिन यूज करने से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डोज के, तो डोज इसका बच्चा में 20 से 50 mg पर के जी होता है डेली, और एडल्ट में बात करें तो 1 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। बाकी कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही ले। ये जानकारी केवल नॉलेज के पर्पज से दिया जा रहा है, इसको आप अपने से ना यूज करें। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद यूज करें। थैंक्स। हमारा वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और लाइक करके कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स।